द मैसेज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवेद आलम, हम इस वक्त दिल्ली मोटर्स में हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रचार का जगह है। खास आपको हम ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत दिखाएंगे कि मजलिस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना रोजी रोजगार के अलावा मजलिस का प्रचार भी करते हैं कैसे, और यहाँ से ही मजलिस का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाता है और घर घर तक पहुँचाता है। नौशाद भाई, आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम एक मैकेनिक हैं, पर हमारे पास जो भी गाड़ी ठीक करने आता है सबको हम इस जो पूछताछ करते हैं कि भाई इस बार 2020 चुनाव नज़दीक आ गया है और हम लोग किसको चुने, तो हमारे MIM से सब बोलता है कि भाई इस बार हम लोग HRSP साहब को चुनते हैं और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए और इंशाल्लाह वो कामयाबी हो जाएंगे और वो अच्छा मेहनत भी करते हैं। कब से आप इस तरह का यहाँ पर ऑफिस चला रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो विधानसभा जो जिस टाइम पार्टी आया था असदुद्दीन अवैसी साहब, तब से हम ये पार्टी में जुड़े हैं और इस पार्टी में मेहनत से हम काम भी कर रहे हैं और इलाके में जाकर के भी हम सबसे पूछते भी हैं कि इस बार अभी साहब को कामयाब बनाइए। अच्छा, यहाँ पर जो है गैरेज का काम करने के बाद आप पार्ट टाइम जो है पार्टी का प्रचार भी करते हैं? हाँ, काम के समय हम काम करते हैं, जब काम हो जाता है तो जब हम इलाके जाते हैं घूमने के लिए तो आदमी से ही पूछताछ करते हैं, जैसे हाट बाजार जाते हैं तो वहाँ से बात मिलते हैं लोग उसे, तो बोलते हैं नहीं इस बार हम लोग HRSP साहब को वोट देंगे और वो मेहनत भी अच्छा करते हैं, हर जगह जाते हैं और लोगों से मशवरा भी पूछताछ भी करते हैं और लोगों का भला भी करते हैं और जितना भला। आपका कौन पद है यहाँ पर? हम भगाल पंचायत युवा अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपके टीम द्वारा अभी किया जा रहा है काम? जी, हमारे जो इलाके के जो पंचायत में जो लड़का है सबसे हम पूछताछ रहते हैं कि अपने अपने गाँव में अब लोग बोलचाल करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए कि भाई इस बार हम लोग चुकना नहीं है, चुके हैं दो बार हम लोग यहाँ से चुके हैं, विधानसभा भी हम लोग हारे हैं, लोकसभा भी हारे हैं, तो इस बार 2020 जो आने वाला है तो हमको इस बार चुकना नहीं है, इस बार हम लोग को मेहनत और पहले से ज़्यादा करना है और विरोधियों को इस बार जवाब देना है कि पार्टी कैसे जीता जाता है और इसी तरह हम लोग काम करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और यही सबका अच्छा है कि इस बार MIM को वोट देंगे और माशाल्लाह इस बार पहले से भी ज़्यादा पकड़ बनती भी जा रहे हैं लोगों से जब बातचीत हो रहा है। और देखिए नीतीश कुमार जो इस बार लोगों को जो धोखा देने का काम किया उसी तरह पब्लिक चाह रहा है कि भी सत्ता से। अच्छा, गाँव में जाते हैं आप लोग तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या लोगों को बताते हैं? देखिए, हम लोग गाँव में जाते हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और गाँव के जितने भी यंगस्टर लड़के हैं मार्केट में रहते हैं और भी अन्य साथी होता है और सबको हम लोग बताते हैं पार्टी के लिए और हमेशा इंशाल्लाह पार्टी के लिए काम किए हैं और हमारे क्षेत्र में जो अभी जो प्रत्याशी है HRSP साहब जो अभी घोषणा नहीं हुआ उनको मुझे लगता उम्मीद है शायद उनको ही टिकट मिलेंगे और इसके लिए हम लोग काफ़ी लोगों को जागरूकता करते हैं, लोगों को बताते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और इंशाल्लाह हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2020 में HRSP साहब यहाँ से विजय होंगे। और आप लोग ज़मीनी स्तर पर और क्या क्या करते हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए? पार्टी को बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि लोगों को जो मानना है कि HRSP साहब भी मान लो सबको बताए कि वो अभी गरीबों के लिए बहुत सारे काम करते हैं, हर जगह उतरते हैं, कहीं भी जाके कहीं भी किसी से मिलते हैं, तो लोगों का कहना यही है कि HRSP साहब को इस बार चुनाव में हम लोग देखना भी चाहते हैं और अभी चाहते भी लोग कि वो आए हैं और उसको हम लोग 2020 में कामयाब बनाएं। आप कितना दिन से मजलिस में जुड़े हैं? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं इस मजलिस में जुड़ा हूँ मतलब कुछ ही महीनों से, जैसे कि मतलब हमारे रिजवान अंकल हुए वो मतलब AIMIM के पार्टी का मतलब एक सदस्य है जो वो मतलब कहता है हम लोग उसी के बात पे चलते हैं। तो हमारे साथ मजलिस के एक टीम था जहाँ पर खासतौर पर ये लोग पंचायत स्तर और गांव लेवल पर काम करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी को एक ज़मीनी स्तर पर पकड़ बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ा अहम रोल होता है, यही जो लोग ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हों, ऐसे कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे थे आज खासतौर पर, चूँकि ये लोग पार्ट टाइम अपना जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तब तक आप द मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों